हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आजकल एनर्जी फिर से वापस आ गई है 3-4 दिन के लेजीनेस के बाद में। तो कल भी मैं व्लॉग मैंने करा और आज सुबह उठ के मैंने एक वीडियो करी जिसमें मैंने थोड़ा सा मेकअप वीडियो करा जो कि अभी है, बट लिपस्टिक मैंने रेड थी तो मैंने बहुत ज़्यादा पॉपअप कर रही थी तो वो मैंने निकाल दी। और एम्बर अभी सो गई है यहीं पे मेरे पास में। तो अभी इट्स 12:30 नाउ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। हालांकि मैंने व्लॉग जो मॉर्निंग में स्टार्ट कर लिया था जब मैंने कुकिंग करी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई एम श्योर कि आपको मेरी जो छोटी मोटी रेसिपीज़ होंगी जैसा मैं सिंपल बनाती हूँ खाना वो आपको पसंद आएगा और आप ज़रूर ट्राई करोगे। अगर आप ट्राई करते हो घर पर बनाते हो वो चीज़ तो ज़रूर शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर, मुझे टैग कर सकते हैं, मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आज मैंने मॉर्निंग में मतलब ब्रंच में बनाया मिसल पाव। तो महाराष्ट्र की रेसिपी है मिसल पाव, जैसे पाव भाजी होती है वैसे मिसल पाव होता है जिसमें ग्रेवी बनती है। मेरी आज थोड़ी ग्रेवी इतनी पतली नहीं बनी थी, रनी नहीं बनी थी, बट या बहुत टेस्टी बनी थी। तो वाइट वाले पीज होते हैं, मटर होते हैं जो, वो उसकी बनती है, प्लस स्प्राउट्स की भी बनती है, ग्रीन स्प्राउट्स की, बट मैंने स्प्राउट्स की नहीं बनाई, मैंने मटर की बनाई, इसका भी रीज़न है। लास्ट ईयर जब एम्बर हुई थी और हम लोग रेगुलर विजिट करते थे हॉस्पिटल में, कई बार हम लोग जल्दी जाते थे तो हम लोग वहाँ पे जो कैंटीन थी, कैफेटेरिया था हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे हम लोग खाते थे मिसल पाव। तो आपको याद होगा कि हम लोग हमेशा बोलते थे कि हम लोग मिसल पाव ज़रूर खाएंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता था। उससे पहले हमने एक दो बार खाया बट वो अच्छा नहीं था, बट वो हॉस्पिटल का खाना बहुत ही अच्छा होता था। तो उसके बाद से ये मैं मिसल पाव बनाती हूँ और आज जो मैंने बनाई है उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आप बताओ, ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट करना, रिप्लाई करना कि आपने क्या क्या प्रोडक्टिव करा है, क्या क्या अच्छा करा है, क्या क्या न्यू कुकिंग सीखी है और जो जो बनाया है ज़रूर कमेंट में करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो ये मैंने वाइट पीस, वटाना भी बोलते हैं, वाइट मटर जो होते हैं मैंने सोक करके रखे थे और इसको अभी जस्ट दो विसल मैंने लगवानी है। इसमें मैं ये मसाला ऐड करा है, सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी। इसको 2-3 सीटी लगवाने के बाद तड़का लगा रही हूँ यहाँ पे, जस्ट प्याज का तड़का और ग्रीन चिल्ली, बाकी आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं मसाला बना रही हूँ अगेन एक्स्ट्रा वाला, जिसमें मैं जो इसका मिसल पाव का मसाला था वो, नमक वगैरह, और थोड़ा सा ये कोकोनट पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। कोकोनट जो ग्रेट कर सकते हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन उसमें थोड़ा सा पानी बना के ये पेस्ट बना लिया है और प्याज का जो तड़का है उसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ। नाउ ये जो वटाना से है, मटर है, ये पक चुके हैं अच्छी तरह, तो इसका थोड़ा सा पानी जो है वो मैं इस तड़के में थोड़ा सा डाल रही हूँ और जब तड़का अच्छी तरह पक जाए तो जो वटाना है और मटर है वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये हमारा रेडी है। प्लस इसमें मैं एक चीज़ जो कि ऑप्शनल है, इमली का पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट अच्छा आएगा तो आप वो ऐड कर सकते हो, नहीं करना है तो स्किप कर सकते हो। तो ये हमारी मिसल ग्रेवी रेडी है, थोड़ी सी पतली भी कर सकते हो और जब सर्व करना है आपको इसके ऊपर से फरसान जो बोलते हैं नमकीन वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो, नींबू और प्याज जैसे पाव भाजी पे करते हो सर्व वैसे करें, बहुत टेस्टी लगता है और गरम गरम पाव के साथ खाएं। सो आज जो मेरा वर्कआउट है, आज मेरा शाम को वर्कआउट है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से फर्स्ट टाइम है कि मैं शाम को कर रही हूँ, तो ये तो मेरा मॉर्निंग का होता है। और आज जब मैंने वीडियो करी थी तो इसलिए नहीं कर पाई और अभी मैं कर रही हूँ, और सिर्फ मैं संडे ऑफ ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो जो भी कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जस्ट नॉर्मल सा रेगुलर वर्कआउट है, प्लस आई एम नॉट अ ट्रेनर तो जो मैं करती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। सो फुल बॉडी वर्कआउट है और लेट्स स्टार्ट एंड होपफुली कि यहाँ पर हमें वर्कआउट कर देंगे। सो फर्स्ट थिंग जो जब भी वर्कआउट स्टार्ट करना होता है वो थी स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है, तो वो करते हैं स्टार्ट। तो वार्म अप के बाद में मैं करती हूँ जंपिंग जैक्स, बर्पीज जो कि फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, देन माउंटेन क्लाइंबिंग, ये तीनों करती हूँ जो कि अच्छा कार्डियो होता है। एम्बर नो, एम्बर अभी पास में घूम रही है।
सो स्टार्ट करते हैं विद जंपिंग जैक्स जो कि हमें अराउंड 100 करने हैं आपको. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने करने हैं. तो 20x3 टाइम्स कर सकते हो, 13x3 टाइम्स कर सकते हो. तो मैं इतने करती हूँ 13x3 टाइम्स. सो नेक्स्ट वन इज माउंटेन क्लाइंबिंग. तो अगेन बॉडी वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट है स्क्वाट. तो स्क्वाट करते हैं. स्क्वाट आपके लोअर बॉडी प्लस आपके टमी में काफी हेल्प करते हैं. हम बस स्क्वाट स्टार्ट करें. चलो सो एम्बर अभी मेरे को करने नहीं दे रही तो इसको साथ में लेके करूंगी स्क्वाट. Good. Did you like it? हाँ अच्छा लग गया, मजा आया. नेक्स्ट इज अपर बॉडी जिसमें हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे और जस्ट विद लाइट डंबल्स इनके साथ में. तो 3 सेट करने हैं 12 के. लेट्स स्टार्ट. So it's going to be, you know, your shoulder or your back workout together. हाँ इतना नहीं करना. बैक सीधी और हल्का सा आपको ले और होल्ड करना है यहाँ पे आपको. तो अभी मैं ये बैंड जो है विंडो में यूज कर रही हूँ उसके साथ बैक वर्कआउट करते हैं. तो बाकी वर्कआउट भी कर सकते हैं इसके साथ में, बट अभी जैसे कि मैं फुल बॉडी वर्कआउट कर रही हूँ तो सारी एक्सरसाइज एक एक कर रही हूँ. और फुल बॉडी वर्कआउट बहुत ज्यादा नहीं करना है, हैवी नहीं करना है. तो सो उधर एम्बर ट्रबल कर रही है क्योंकि वो इधर आ नहीं सकती. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इन्हें खेलना है, कितना खेलना वर्क एब्स एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट विद एब्स एक्सरसाइज. तो एम्बर को मेरे साथ ही रहना, इसको अच्छा लगता है, मैं वर्कआउट करती है. तो अभी एब्स की कर रही हूँ 3 का सेट. नो बेटा मुमन करण तो ना. तो उसके बाद साइकिलिंग. लुक एट दिस. अभी अंबर दीपक पकड़ो के अंबर हूँ. Feeling me, baby. Give me your
की 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे, तो वो भी एम्बर वॉकर में है तो नहीं आएगी, मतलब एम्बर होते चलते अभी करते हैं स्ट्रेचिंग, जो कि वर्कआउट फिनिश करने के बाद भी करनी है, और से पहले बटरफ्लाई वाले करते हैं एक्सरसाइज। गाइज आई वर्कआउट 6 times a week, और क्योंकि कार्डियो वगैरह ज़्यादा बाहर नहीं हो पाता, पहले तो ट्रेडमिल वगैरह होती थी, बट अब तो घर पे ही होती हूँ, तो एम्बर के साथ काफ़ी वर्कआउट हो जाता है, इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, तो ये वर्कआउट मैं करती हूँ और थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, एक दिन छोड़ के जैसे अलग वर्कआउट होता है, और एम्बर हमेशा इंजॉय करती है मेरे साथ। और आप अगर वर्कआउट करो तो ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ कि कैसा कैसा रिजल्ट है, तो स्लोली स्लोली जो स्टेमिना होता है वो बिल्डअप हो जाता है, तो उसके बाद आप प्रॉपर ही बर्पीज वगैरह कर सकते हो। और आई थिंक आई विल फिनिश दिस व्लॉग हियर, अभी देखते हैं क्योंकि एम्बर को अभी सोने का टाइम हो गया, अभी शाम हो गई है, उसको सोना है ना, सोना है ना क्या बड़ा जी जाती है, नहीं मम्मा ने, चलो गाइस बाय।